अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा स्टेट इम्पोरियम कॉम्प्लेक्स बाबा खड़क सिंह मार्ग कनॉट प्लेस नई दिल्ली में 12 से 20 जनवरी 2019 तक हुनर हाट का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन करने आज केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी वहां पहुंचे। श्री अरुण जेटली जी के वहां पहुंचने पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उनका इस्तकबाल शॉल ओढ़ाकर किया। इस्तकबाल के बाद श्री अरुण जेटली जी ने हुनर हाट का उद्घाटन फीता काट कर किया और हुनर हाट में मुल्क के कोने कोने से आए खानसामाओं, दस्तकारों, शिल्पकारों, हुनर के उस्तादों की दुकान का जायजा भी लिया और उनके द्वारा बनाई गई स्वादिष्ट पकवानों एवं कलाकृतियों को सराहा। इस मौके पर श्री अरुण जेटली जी ने वहां मौजूद मीडिया से बात करते हुए हुनर हाट के बारे में बताया। माइनॉरिटीज विभाग द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई है, इस देश की जनता में और हमारे अल्पसंख्यक वर्ग में तो आर्टिसंस हैं, क्राफ्टमैन हैं, नई चीज बनाना और विश्व स्तर की चीज बनाना इसका बहुत बड़ा टैलेंट है। उस टैलेंट की ब्रांडिंग और उस टैलेंट की मार्केटिंग कैसे होगी, ये बहुत आवश्यक है ताकि उसका आर्थिक लाभ उठा पाए। उसी दिशा के अंदर माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट मंत्रालय ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया है, पूरे देश में इस प्रकार से इसका प्रोटेक्शन करना है और मुझे लगता है कि इसका तो केवल देश में नहीं विश्व के अंदर होना चाहिए। जिस तरह की चीज़ ये लोग बना रहे हैं उसका आज के दुनिया में जो ट्रेडिशनल आइटम्स हैं जिनको ये संभाल के रख रहे हैं और आज उसकी बहुत बड़ी वैल्यू और कीमत और उसका आकर्षण पूरी दुनिया के अंदर है और इस मार्केटिंग और ब्रांडिंग के असर से मुझे लगता है कि इसमें जो लाखों लाखों लोग लगे हुए हैं देश भर में उनको बहुत बड़ा लाभ अपने आप में। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी ने भी वहां मौजूद मीडिया से बात की और उनके सवालों के जवाब दिए। आज हुनर हाट जो है वो एक ऐसा दस्तकारों शिल्पकारों का एक ऐसा क्रेडिबल ब्रांड बन गया है जहां न केवल रोजगार बल्कि रोजगार के मौके मुहैया हो रहे हैं और 165,000 से ज़्यादा इन दो सालों में हमने दस्तकारों शिल्पकारों को हुनर हाट के माध्यम से रोजगार और रोजगार के मौके मुहैया कराए हैं। अभी मुंबई में हुनर हाट संपन्न हुआ एक हफ्ते पहले, आज जो है वो दिल्ली में कल से शुरू हुआ है जिसका कि उद्घाटन अभी वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने किया है। हमारा मानना है कि जो हमारे देश की हुनर की शानदार और जानदार विरासत है उसको मौका और मार्केट मिले, ये हमारी हमेशा कोशिश रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जो एक अभियान है उस अभियान का एक मजबूत हिस्सा है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास का हाईवे तैयार किया है उस विकास के हाईवे पर सरपट गाड़ी दौड़े हुनर हाट उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सर कितने स्टॉल हैं यहाँ पे टोटल? 22 राज्यों से ज़्यादा दस्तकार शिल्पकार आए हुए हैं और जो सबसे मज़े की बात है कि हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पकवान होते हैं जी। तो ये बावर्ची खाने का भी आपको एक सेक्शन मिलेगा जिसमें कि आपको मुगलई भी दिखाई पड़ेगा, लिट्टी बाटी भी दिखाई पड़ेगी, नॉर्थ ईस्ट के भी खाने दिखाई पड़ेंगे, साउथ का भी खाना दिखाई पड़ेगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश का भी पकवान दिखाई पड़ेगा। हर देश के अलग अलग हिस्सों के ये सांस्कृतिक सुगंध आपको मिलेगी और शाम को आप लोग ज़रूर आइएगा। शाम को पूरे देश के जाने माने जो हमारे परंपरागत सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो होते हैं जिसमें कि अलग अलग दिनों में अलग अलग कलाकार अपने हुनर का और अपनी कला का प्रदर्शन। नकवी साहब कोई स्टेट आप कितना बड़ा काम मानते हैं खासकर के रोजगार? देखिए ये एक बहुत बड़ा अभियान है और हम मानते हैं कि जो हमारी दस्तकारी और शिल्पकारी की जो हमारी विरासत है उस विरासत को मजबूती देना और उस विरासत को मौका मार्केट देना और उस विरासत से जुड़े हुए लोग
روزگار کے ساتھ جڑ سکیں اور اپنی وراثت کو مضبوط آگے مضبوط کر سکیں, اس میں یہ ہنر ہاٹ. نقوی صاحب, یہ بڑھاوا دینا چاہتے ہیں اور کیا لگتا ہے کہ ابھی اور لوگ ہیں جو اسے جڑنا چاہتے ہیں؟ بالکل, ہم نے تو لگاتار, ہم تو ہر دو ہفتے میں تین ہفتے میں کر رہے ہیں. اب ہماری کوشش ہے کہ لگاتار ہر مہینے راجیہ دیش کے کسی نہ کسی حصے میں, اور نہ کیول دیش کے بلکہ ودیش میں بھی یہ ہونا چاہیے اور ہوگا.